नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपास सिंह राठौड़ है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों टाटा मोटर्स अपने लाइनअप में सबसे फ्लेक्सिबल एसयूवीज हैरियर और सफारी को ग्लोबल एनकैप में नहीं बेचते हैं, जबकि हैरियर को लॉन्च हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और उनके सबसे अफोर्डेबल एसयूवी पंच ने भी ग्लोबल एनकैप क्रश टेस्ट में 5 स्टार स्कोर किए हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे उन सब सो कॉल्ड देशभक्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा ही ऐसे दो होम ग्राउंड प्लेयर थे जिन्होंने सेफ्टी को एज ए प्रायोरिटी दी तब जब लोग माइलेज के पीछे भागते थे। खैर, लोग आज भी सनरूफ के पीछे भागते हैं, बट वो एक दूसरी बात है। सो वापस अगर अपने मुद्दे पे आएँ तो टाटा मोटर्स के करंटली लाइनअप में नेक्सॉन, पंच, अल्ट्रोस, टियागो, टिगोर ये सारी कार्स 4 या 5 स्टार स्कोर हैं ग्लोबल एनकैप से। लेकिन क्यों टाटा मोटर्स अपनी दोनों भारी भरकम एसयूवीज को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में नहीं बेचता है? तो यहाँ पे कैच ये है कि जो टाटा मोटर्स हैरियर और सफारी के साथ 2 लीटर मल्टी सेट डीजल इंजन ऑफर कर रही है जो कि फिएट सोर्स हैं, उसमें ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। और ये इंजन सिर्फ हैरियर और सफारी में ही नहीं बल्कि एमजी हेक्टर डीजल, जीप कंपस एंड जीप मेरिडियन में भी यूज़ किया जाता है और ये समस्या इन सभी कारों में है। सो समस्या ये है कि ये जो 2 लीटर मल्टी सेट डीजल इंजन है जो कि फिएट सोर्स है, इसमें ऑयल फिल्टर की असेंबली राइट हैंड साइड में ड्राइवर साइड ABC पैडल के पीछे हैं। सो इन केस अगर क्रैश टेस्ट किया भी जाए तो ड्राइवर के नी एरिया में ज़्यादा चोट लगने के चांसेस हैं। सो इस वजह से ओवरऑल क्रैश टेस्ट रेटिंग पर भी असर पड़ सकता है। सो इस वजह से ये सभी ऑटोमेकर्स अपनी क्रैश टेस्ट रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं SUVs की। और इसी 2 लीटर मल्टी सेट डीजल इंजन के साथ यूरोपियन मार्केट में जीप कंपस ऑफर की जाती हैं और वहाँ पर जीप कंपस लेफ्ट हैंड ड्राइव कार हैं। सो इसी वजह से राइट हैंड साइड में ऑयल फिल्टर की असेंबली आ जाती है। सो इस वजह से ये ज़्यादा इंट्रूडर नहीं करती हैं। सो इसी वजह से यूरो एनकैप में जीप कंपस ने 5 स्टार स्कोर किए हैं आउट ऑफ 5। तो अब हमारे पास 2 सवाल बच जाते हैं। सबसे पहला ये कि क्या टाटा मोटर्स अपनी इन दोनों फ्लैक्सिप SUVs को कभी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में नहीं भेजेगा? सो आंसर इज नो, बिकॉज टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी इन दोनों SUVs में पेट्रोल इंजन ऑप्शन लेके आएगा। सो इस वजह से ये तो प्रॉब्लम मिट जाएगी, बट डीजल इंजन के साथ ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, उसे कैसे सॉल्व करता है टाटा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। सबसे बड़ा ये सवाल है कि जब टाटा मोटर्स को ये बात पता थी कि इस 2 लीटर मल्टी सेट डीजल इंजन के साथ ये राइट हैंड साइड वाली कार्स में सेफ्टी सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो फिर उन्होंने क्यों इस इंजन के साथ जाना सही समझा, जबकि उनके पास और भी ऑप्शंस थे? लाइक जब उन्होंने Hyundai की 200 से गियरबॉक्स ले लिया तो फिर 200 का 2 लीटर इंजन ले लेते, या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो का 2.2 लीटर एमॉक डीजल इंजन ले लेते जो कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता। खैर, जो भी मजबूरी हुई हो टाटा की, बट मुझे एक बात पता है कि टाटा मोटर्स उसे जल्दी रिसॉल्व करेगा। बट इसका मतलब यह नहीं कि टाटा मोटर्स की दोनों फ्लैक्सिप SUVs हैरियर और सफारी दोनों अनसेफ कार से, इट जस्ट कि उनमें थोड़ी सी सेफ्टी को लेकर प्रॉब्लम जरूरी है। रिसेंटली हमने जितने भी एक्सीडेंट्स देखे हैं हैरियर और सफारी के, उन सब एक्सीडेंट्स में पैसेंजर आराम से सर्वाइव कर पाए। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं टाटा मोटर्स को डिफेम करूँ, इट जस्ट कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इस पॉइंट को लेकर हैरियर और सफारी को अनसेफ बता रहे हैं, उससे मैं आपको अवेयर कर सकूँ, ये मेरा पर्पस है। और मेरी पर्सनल फेवरेट भी हैरियर है। सो आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार और सुझाव इस वीडियो के बारे में।